योजना बना करके होना चाहिए। दूसरी बात इफेक्टिव का मतलब है, क्या बोलेंगे नसीबा हिंदी में, प्रभावशाली, या फिर उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, उसमें फायदा आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2 घंटे पढ़ाई किया और हमारा ध्यान कहीं और था। उसकी उससे अच्छा ये है हम 1 घंटा और कुछ काम है वो काम कर लें और बाकी के 1 घंटे पढ़ाई करें और 1 घंटे में अगर पूरे ध्यान से करें तो ये 1 आवर क्या कहलाएगा, इफेक्टिव स्टडी आवर्स कहलाएगा। और उस 1 घंटे में भी आप प्लान करें, जब आप सुबह उठते हैं, खास कर स्टूडेंट्स के लिए है, मास्टर्स के लिए भी है, टीचर सभी के लिए है, आज भी मैं फॉलो करता हूँ, एक डायरी मैंने बनाया है, ऐसी डायरी रहती है, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले प्रार्थना के बाद वचन के बाद में उस डायरी में मैं डेट लिखता हूँ। मान लीजिए आज की डेट क्या है, 29/1/2023, और हर डेट में इम्पोर्टेंट वर्क, मुझे आज क्लास 9 में टेस्ट लेना है, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे मार्केट जाकर मुझे ये वाला काम करना है, नंबर 2, नंबर 3 पढ़ाई में मुझे आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 आज इम्पोर्टेंट मुझे, मैंने प्लान कर लिया। प्लान करने के बाद क्या करना है, हर 2 घंटे के बाद मुझे डायरी निकाल कर देखना है, इसमें घर के काम भी आ सकते हैं, मिनिस्ट्री का काम भी, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए एक प्लान आप कर सकते हैं, इफेक्टिव प्लानिंग या डेली प्लानिंग आप बोल सकते हैं। जब आप हर 2 घंटे के बाद निकाल करके इसे देखें, क्योंकि पेज आप रखेंगे पेज घूम जाएगा, डायरी आपके पास रहेगी। मान लीजिए आपको शाम को याद आया कि मैंने तो आज ये वाला काम नहीं किया है, तो आप शाम को ये वाला काम कर सकते हैं। अगर आप मार्केट नहीं जा पाए हैं किसी कारण से, आप अगले दिन जा सकते हैं। तो ये आपको हर 2 घंटे में जब आप निकालेंगे तो इसमें छूटने के चांसेस क्या बहुत ही कम रहेंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहली बात इफेक्टिव स्टडी आवर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप प्लानिंग करेंगे आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में कितना समय देना है। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, मान लीजिए कि ये आप मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर्स हैं उसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे। आज अगर ये काम करेंगे तो सर्टिफाइड हो जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले कैटेगरी में आप ऐसे चैप्टर्स के नाम लिखिए, चैप्टर्स के नाम या टॉपिक या विषय के नाम लिखिए जो आपको जल्दी जल्दी बन जाते हैं, तो आपके लिए इजी है, इजी टॉपिक या फिर डन जो आप कर चुके हैं उस टॉपिक को आप यहाँ पर लिखिए। हो सकता है यहाँ पर मान लीजिए आपके 8 टॉपिक आपके यहाँ पर आ गए, जो ईजी है पहले से आप कर चुके हैं, कंप्लीट है, इसमें डाउट आपके कम है, तो ये आपके लिए कैटेगरी नंबर 1। अब दूसरी कैटेगरी में मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स का नाम लिखिए जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, नॉट डन, टफ, कंफ्यूजिंग, जिसमें आपने अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा है या जिसमें आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, जिसमें आपको डर है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या जिस टॉपिक में के कारण आप पिछले एग्जाम में फेल हुए हैं, ऐसे टॉपिक की लिस्ट आपको बनाना है कैटेगरी नंबर 2 में। तो कैटेगरी 1 ऑलरेडी आपका हो चुका है, मान लीजिए यहाँ पर 8 टॉपिक थे, मान लीजिए यहाँ पर 6 टॉपिक थे। तो जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको ये टॉपिक में अभी नहीं जाना है, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी आप 1 या 2 बार कर चुके हैं, आपको जल्दी समझ में आता है, मार्क्स अच्छे आ चुके हैं आपके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपके लिए इजी है। तो जब भी आप मैथ्स पढ़ने जाएंगे आपका सिलेबस ये होगा ना कि ये होगा, ये वाले टॉपिक आप बीच बीच में रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मेन सिलेबस अब क्या बचा, क्योंकि साल खत्म हो गया है, अगर आपने इन्हीं टॉपिक में फिर से टाइम देना शुरू किया तो ये टॉपिक जो है आपके लिए एक सर्दर बन जाएंगे, और एग्जाम की स्थिति आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये जो है इस टॉपिक की जगह जो समय था वो उसका चुरा लेंगे, और आपके जो कठिन टॉपिक है वो आप कभी नहीं कर पाए। तो आपके पास सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो आज सबसे पहला काम जो करना है अपने टॉपिक को डिवाइड करना है, कैटेगरी में बांटना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव स्टडी आवर्स के लिए प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसको समझ में आई बात, मैं गिनी चुनी बातें बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा तो आप ग्रास्प नहीं कर पाए। आज करेंगे, कितने लोग करेंगे आज, ऐसा किया पहले कभी, मैंने कभी नहीं किया, हमको लगता है मैथ्स पढ़ना है मतलब चैप्टर नंबर 1, पर चैप्टर 1 ऑलरेडी यू हैव डन, आपने कर चुका 3 बार, उसमें टाइम नहीं देना है,
चैप्टर नंबर टू आपका हो चुका है, चैप्टर थ्री में आपको नहीं आता था, कंफ्यूजन था, वहां से स्टार्ट करें। हाँ, कभी कभी ये होता है कि माइंड को ईज करने के लिए हम एक दो क्वेश्चन चैप्टर वन के बना लेते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, माइंड थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, कभी कभी ये हो सकता है फॉर द टाइम में। लेकिन आपका सिलेबस क्या है मैथ्स का, ये है। उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के भी ऐसे सिलेबस आपको बनाना है। ये पार्ट आपको बीच बीच में देखते रहना है और ये आपका फोकस है। अगर इसमें आप 80% दे रहे हैं मैथ्स के टाइम का, तो इसमें आप 10 से 20% ही देंगे। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो आपका एग्जाम का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। बात समझ आ रही है? तो पहला काम तो आपको ये करना, इफेक्टिव स्टडी। ठीक है, कब कर दिया जाए? नोट डाउन किया आप लोगों ने? मैं ऐसे मेथड ही बताऊंगा जो पॉसिबल है एक महीने के अंदर, बाकी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अब देखिए, दूसरी बात ये है, जब भी आप पढ़ाई करेंगे हाई इंटेंसिटी के साथ करेंगे, अब उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी उस समय आपका ध्यान 100% होना चाहिए, ना केवल प्लानिंग के साथ होना चाहिए, ना केवल सब्जेक्ट कैटेगराइज होना चाहिए, ना केवल आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना का मतलब क्या चीजें जो मैं पढ़ चुका हूँ जो अभी मुझे नहीं पढ़ना है, आज जब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मुझे क्या पढ़ना है मुझे मालूम होना चाहिए। तो इफेक्टिव स्टडी है, उसमें आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप पे डिपेंड करता है। देखिए, पढ़ने के अलग अलग सबके पैटर्न्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार दो बार तीन बार बोल के पढ़ लेते हैं याद हो जाता है, ऐसा भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दो बार तीन बार लिख के देखते हैं तो उनको ज्यादा याद होता है, और ऐसे अलग अलग पैटर्न होते हैं। कुछ लोग को सुबह उठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है, किसी के लिए रात को होता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी को दोपहर में भी हो सकता है। कोई कोई पिक्चर्स के थ्रू कर लेते हैं, किसी को कंबाइंड स्टडी, किसी को अकेले बैठ के पढ़ने में ज्यादा समझ में आता है, किसी को बातचीत करके समझ में आता है, किसी को स्टोर बोल में पढ़ाई होती है, किसी के कान में पढ़ाई। ये अपना अपना पैटर्न है, वो आपको अपने पैटर्न मालूम होना चाहिए। कभी समय मिलेगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न होते हैं, तभी समय मिला तो प्रोजेक्टर्स वगैरह के थ्रू कभी मौका मिलेगा तो बताएं। तो हाई इंटेंसिटी का मतलब ये है, आपको ऐसा टाइम चुनना है जिसे बोलते हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम का मतलब ये होता है एक ऐसा समय जिसमें आपकी बॉडी और आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसमें आपका माइंड खाली रहता है, एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, जिसमें आप हल्का महसूस करते हैं, ऐसे समय को बोलते हैं प्राइम टाइम। किसी के लिए अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे का हो सकता है, किसी के लिए लेट नाइट भी हो सकता है, आपके हैबिट के हिसाब से आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जैसा करूं वैसा हो, आपकी हैबिट के हिसाब से। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो समस्या की बात। ऐसा इसलिए क्योंकि तो साइंस ये बोलता है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जितना कम है उतना ज्यादा इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। अगर अभी देखिए दोपहर के समय या गर्मी का महीना हो और दोपहर को 12 बजे ही क्लास चल रही हो तो आपको कैसा लगता? अभी तक आप लोग बोलते ये कौन प्रवीण भैया ले आए भैया, हमको तो घर जाके सोना है ना, हमें नहीं चाहिए। पर आप लोग क्यों इतना ध्यान दे पा रहे हैं? क्योंकि मौसम भी मॉडरेट है, हल्की ठंडी बाकी है, और यही अगर हम एक महीने के बाद ही करेंगे ना, इससे भी अच्छी क्लास आप नहीं सुन पाएंगे और ना मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो आपको ये दोनों में से एक समय चुनना पड़ेगा और आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। हर रोज जब आप पढ़ने के लिए उठेंगे, प्रेयर करने के लिए उठेंगे, एक आवाज आएगी आपके अंदर से, 5 मिनट और आती है ना। अधिकांश लोगों की यही कमजोरी, हमारी भी हो जाती है, 5 मिनट और सुनेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो हम टाइम भले आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा मेरी गलतियों से, अगर मैंने अलार्म लगाया है 4:15 का, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है, जल्दी उठना है 4:15 का, जब उठते हैं 4:15 हुआ अभी तो, अभी तो 4:15 ही हुआ है, एक काम करते हैं अपन 20 मिनट में उठ जाएंगे, 4:30 4:35 ठीक है, और नींद खुलती है क्या मालूम आपको, 5:35, और फिर लगता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, अब प्रार्थना का समय बाकी है, पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी तो कल से करें। इसीलिए एक तरीका मैंने निकाला है, अलार्म जो है, अलार्म जो लगाते हैं वो तो थोड़ा कुछ टाइम पे जिसपे आप उठना है, और अलार्म लगा के कम से कम आपसे 10 मीटर की दूरी पर रखिए और फुल साउंड में रखिए,
ठीक है, तकिए के पास फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बंद किए फिर सो गए, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये मेरे लिए तेरी इच्छा पूरी है सर, लेकिन इच्छा अपनी पूरी कर रहे हो। तो अलार्म थोड़ा दूर रखें। और एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन साइंस के हिसाब से अगर आप 20 मिनट बोलते उतना नहीं लगता समय, हालांकि अगर आपके अंदर इच्छा है तो कई बार ऐसा भी होता है, पास्टर साहब लोग बताएंगे जब प्रेयर के रुकते हैं उसी टाइम पे नींद खुलती है। अगर आपके अंदर मन है, मेरे साथ एक घटना घटी जब मैं शुरू में प्रार्थना करने उठता था, आज से 17-18 ईयर्स बैक जब मैं प्रार्थना करने तो प्रभु से प्रभु मुझे उठा देना सुबह, अलार्म मैंने लगा। एक सुबह की सच्ची घटना है कि मैं उठ नहीं पा रहा था, अचानक से एक मुझे किसी ने ऐसे मारा, उठाया, मैंने समझ पाया, फिर किसी ने ऐसे मारा, मैं नहीं उठ पाया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस पर भूत मुझे उठा। आपको लगेगा कि ये मजाक है लेकिन सच में मेरे साथ ये घटना घटी है। तो कई बार प्रभु जब एक्स्ट्रा इमरजेंसी है ऐसा भी काम हमारे साथ में कर सकता है, लेकिन रोज नहीं आएगा आपके लिए, चलो भाई ड्यूटी पे लगा दे सर, ऐसा नहीं, कभी कभी कर सकता है। तो अलार्म रखें, दूर पे रखें, फुल साउंड में रखें, 5 मिनट वाला चक्कर खत्म कर दें, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब भी आप उठेंगे 10 मिनट थोड़ा सा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रहेगा, आप ब्रश कर लीजिए, चाय पी सकते हैं, आप 10 मिनट प्रेयर कर लो, पढ़ने से पहले एक दर्शन पढ़ लीजिए, थोड़ा टहलना है टहल, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 मिनट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने उसके बाद ओवरकम कर लिया फिर आपकी सुबह एक अच्छी शुरुआत जो होती है वो पूरे आपको दिन भर एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है। तो इफेक्टिव स्टडी अवर्स नंबर 2, हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का मतलब ये है आपका पूरा ध्यान कौन से टाइम पे रहेगा, प्राइम टाइम। और इस प्राइम टाइम पे मान के चलिए आप 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, उस 2 घंटे पे कुछ भाई साहब लोगों को विदाई दे दें, जैसे कि मोबाइल, ठीक है, टीवी, और आप और भी सोच सकते हैं, और आपके बहुत सारे जो सगे संबंधी हैं जिनके बिना रहना मुश्किल होता है उनको आप थोड़ी देर के लिए छुट्टी देना पड़ेगा, ठीक है। एक काम एक समय में, जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, उन लोग कुछ ऐसे काम जो भी वो काम करते उसमें टाइम दे के करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे नाश्ता कर रहे हैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं, जापान में ऐसा नहीं होता है। जापान इस क्या करते हैं, नाश्ता को भी उतना इंपॉर्टेंस है जितना पढ़ाई को है, नहाने को भी उतना इंपॉर्टेंस है जितना गेम्स को है, हर चीज में टाइम दे के करते हैं, पूरी सहूलियत से करते हैं, क्योंकि वो भी उनके हेल्थ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं, हर काम जल्दी जल्दी में करते हैं, एक्सीडेंट भी जल्दी जल्दी में करते हैं, उसके लिए भी धीरज नहीं है। तो हमारा हाई इंटेंसिटी वाली बात है। नंबर थ्री, जब आपको ज्यादा समय तक पढ़ाई करना हो, एग्जाम का टाइम है और आपको लग रहा है कि दिन में 3-4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलने वाला है नहीं, अब क्या करें, साल भर की आदत तो है नहीं, तो आदत कैसे बनाए, उसका तरीका है, उसे बोला जाता है मेंटेन वैरायटी। हिंदी में मैं थोड़ा सा विविधता, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रकार की चीजों को पढ़े, अपने समय को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अगर आपको लंबे समय तक पढ़ने का है, अगर आपको 3-4 घंटे पढ़ना है तो आप लंबे समय तक पढ़ने के लिए वैरायटी कोई भी काम, अभी अगर मैं कंटिन्यू आपको लेक्चर देता रहता आप थोड़े बुरे होते, बीच में एक गाना आपको सिखाया, बीच में कुछ कहानी आपको सुनाई, आपको खड़ा कर दिया, म्यूजिक वाले भाई को ला दिया, बीच में कुछ हंसी मजाक की बात हो गई, आप लोग बैठे हुए इधर तक मुझे रायपुर भेज दे रहे हैं। लेकिन चलिए, मेंटेन वैरायटी का मतलब ये है इसको कैसे लागू करें। मान लीजिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे 14-15 तरीके हैं, एक तो मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपको बैठे बैठे बोर लग रहा है पढ़ने, है ना, कभी कभी खाना खा लिए पढ़ने बैठे नींद आती है, आप घूमते घूमते पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में खाली लिए अपने। जब मैं बीए में जब पढ़ रहा था मुझे प्रभु ने सिखाया, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बाद मैं जोर से खाली लिए चिल्लाता था, धन्यवाद करने का तरीका, जो खाली लिए चिल्लाते हैं या क्लैपिंग करते हैं आपकी जो सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपको पढ़ने का मन करता है। एक जगह बैठ करके हमेशा नहीं पढ़िएगा, उसको मोड चेंज करिए, कभी मैं पढ़ने की जगह चेंज करता हूँ, कभी मैं बुक चेंज करता हूँ, कभी टॉपिक चेंज करता हूँ, कभी इंटेंसिटी या कुछ और तरीके चेंज करता हूँ, कभी मोबाइल से पढ़ता हूँ, कभी बुक से पढ़ता, अलग तरीके हैं। तो इसमें आप सब्जेक्ट में, अगर आप एक ने थ्योरी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, थ्योरी का मतलब इसमें आपको समझ रहे हैं सैद्धांतिक है, इंग्लिश हिंदी या ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वाली चीजें हैं, वो आपने पढ़ा, आपको बोर लग रहा है, आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा और ब्रेक के बाद आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको कैलकुलेशंस है, डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल है, कुछ सॉल्व करने वाली चीजें हैं, मैथ हो सकता है, वैसा आप करिएगा। नंबर टू तरीका ये हो सकता है, अगर आपने आधे घंटे कुछ पढ़ा है, बोल करके पढ़ा है तो वो भी आपका दर्द कर रहा है, तो अगले 30 मिनट्स या 20 मिनट्स उसी चीज को आप राइटिंग प्रैक्टिस में करके देखिए, लिख करके देखिए। उससे फायदा क्या होगा, एग्जाम में आपको करना क्या है, लिखना है कि बोलना है, एग्जाम में लिखना है। तो कई बार हम गलती ये भी करते हैं, सारी चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ भी लिख कर, मैंने बताया था आपको 30%, 50%, 70% भी आपको बताया था। हम लिख के करने से फायदा ये है, हमारी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, लिखने की स्पीड आपकी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी में वो चीज़ और गहराई तक जाएगी, और साथ ही साथ जो है ज़्यादा समय तक आपको रिटेन रहेगा राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम के लिए भी। आपको कई बार एग्जाम में ये होता है कि हमें मालूम सब है, हम लिख नहीं पाते, रीजन क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस कर, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। फॉर्मूला तो नहीं है, मतलब साफ समझने वाली बात है। अगर हम केवल रीडिंग कर एग्जाम नहीं लिख पाए, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करिए इसका क्या मतलब है, और आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, सुन लीजिए। नसीम भाई को मैंने कुछ समझाया, नसीम भाई को मैंने कुछ समझाया, अब मुझे समझना है कि नसीम भाई को बात समझ में आई है कि नहीं, उसका एक ही तरीका हो सकता है। अब मैं नसीम भाई को बोलूँगा ये बात जाकर के आप उस भाई को समझा दीजिए, नसीम भाई अगर मतलब समझ तो आ गया है लेकिन मैं समझा नहीं पाऊँगा, तो मुझे ये समझ में आया कि नसीम भाई ने जो समझा था उसको समझ नहीं आया। बात समझ में आ रही है आपको, आपको समझ में आ गया है, ये आप कैसे समझ सकते हो, उसका एक ही तरीका है कि आप दूसरों को समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छा है, कोई चीज़ आपको समझ में आ गई, आपको लग रहा है, आप किसी ना किसी फ्रेंड को, बिलीवर को, मम्मी को, पापा को बैठाइए, देखो मैंने कुछ समझा है, आप सुनिए जरा। उसके भी दो फायदे, पहली बात आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे कि आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी पॉजिटिविटी उनके अंदर आएगी, आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जब भी हम प्राइम टाइम की बात करते हैं उसमें एक और बात याद रखें, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो जरूर से अपने इम्पॉर्टेंट काम, अब जैसे हम पढ़ने बैठे वॉशरूम जाना है, जैसे पढ़ने बैठे गैस बंद करना है, जैसे पढ़ने बैठे अरे उसका कॉल आने वाला था, ये आता है सबके लिए, नेचुरल है। तो हम जब प्राइम टाइम की बात करते हैं उस प्राइम टाइम में सीटिंग देने से पहले हमको क्या करना है, जितने भी इम्पॉर्टेंट काम, इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है 5-10 मिनट के अंदर आप कर लीजिए, और प्रेयर करके आप बैठिए और ये सोच के बैठिए कि मुझे अब 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी आप टाइम डिसाइड करते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, अब मुझे चेंज नहीं करना, ठीक है। तो प्राइम टाइम में ये भी चीज़ें आएगी, आप पहले अपने इंपॉर्टेंट काम कर ले, पेरेंट को इन्फॉर्म कर दें, मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या दूसरे रूम में रख दें, टीवी बंद कर दें, और अपने कमरा साफ सुथरा कर लें, और कमरे में आपको जो परफ्यूम आप डाल सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगता है उस फूल आपको रखना है, पानी अपने पास लेकर के रखिए, और फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं अगर कोई आने वाला है, पेरेंट्स को बता दें, फ्रेंड्स आए तो ना बोल दें, बहुत से डिस्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने प्राइम टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्वेश्चन एक भी नहीं है, आप लोग 40 लोग बैठे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं है, 50 लोग। ऐसा पूछ सकते हैं आप कि आप लोग इसको कैसे मेंटेन करते हैं, लोग काफी पढ़ने वाले लोग हैं जी, आप आपके वो करते आप लोग इसको कैसे मेंटेन करते हैं। चलिए प्राइम टाइम का मतलब क्या बता दीजिए भैया, प्राइम टाइम का मतलब क्या, इफेक्टिव स्टडी अवर्स आपने बताया, पढ़ने वाले बच्चे बताइए आपको, सब पढ़ना इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने क्या बताया इफेक्टिव, कोई बताइए भाइयों बहनों से कोई बता सकते हैं, पहला जो टॉपिक था इफेक्टिव स्टडी अवर्स उसमें क्या सीखा और कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, हाँ जल्दी बताएंगे, समय हमारे पास काफी कम है, बताओ जल्दी बताओ, हाँ खड़े होकर राइट टाइम में आपको ये भी बताया गया कि जब हमारा बॉडी रेडी है, जब हमारा मन है, तो फुल डेडिकेशन के साथ
ठीक है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम हो, हमारे माइंड में ओवरलोड ना हो, माइंड भी आपका फ्री हो, टाइम भी आपका फ्री हो, और जिसमें आपके दूसरे काम ना हो, उसमें इम्पोर्टेंट काम ना हो, उसे हम कहते हैं प्राइम। जिसमें आप मेंटली फिजिकली हर तरीके से रेडी है किसी चीज़ को पढ़ने समझने और अप्लाई करने। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही सबको। चलो, लंबे समय तक पढ़ने के लिए मैंने कुछ बताया है, क्या मेंटेन करना पड़ेगा लंबे समय तक? अगर आपको पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट है, क्या करना पड़ेगा? कुछ बताया था मैंने, कुछ मेंटेन करना है। मेंटेन वैरायटी, वैरायटी मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें। मैंने बताया तरीका बताया आपको, अगर आपने थ्योरी सब्जेक्ट एक पढ़ा हुआ है आधे घंटे, आपको थोड़ा बोर लग रहा है, आप दूसरा एक सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लिखने वाला है वहाँ पर आप करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस किया है राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप खड़े होकर पढ़ रहे थे आप बैठ कर पढ़ें वो भी आप कर सकते हैं, आप घूम कर पढ़ सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से पोजिशन चेंज करें, टाइमिंग चेंज करें, कंटेंट चेंज करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने के। ठीक है, मैं एक्चुअली अभी तक अपने मेन पार्ट में नहीं आ पाया। ठीक है, इनके लिए एक्टिव काफी है। अब रिकॉर्डिंग भी करते हैं मतलब? हाँ, काफी है, काफी। ओके, नहीं।